everyone and welcome to our channel देसी कपल on the go जिसमें मैं मेघा और मैं सौरभ लेके जा रहे हैं आपको फिनलैंड के बहुत सारे places और आज हम लोग करने वाले हैं एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस और वो क्या है any guesses from the thumbnail अगर आपको वो पता पड़ गया है then it's good otherwise today we are going to do a icebreaker cruise हम लोग एक क्रूज में बैठ के क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर है फिनलैंड में अभी वो -20 -25 -30 है पूरा लेक पूरे रिवर एंड इवन सी भी पूरा फ्रीज हो गया है बट वो जो क्रूज है वो स्पेशली है आइस ब्रेकर क्रूज और वो जब वो एक्चुअली हाँ और वो चलेगा और आइस को ब्रेक कर देगा और फिर ऐसा छोटा सा पॉन्ड बना देगा और उसके अंदर हम लोग फ्लोट कर पाएंगे तो बहुत ही एक्साइटेड है इसके लिए देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं डर जाते हैं क्या सो यू विल गेट टू सी ऑल दिस कि कैसे आइस ब्रेक होता है इस बड़े से शिप से और कैसे उसके अंदर हम फ्लोट करते हैं सो कहीं मत जाइए देखते रहिए पूरा वीडियो एंड जस्ट कम अलोंग विद अस सो लेट्स गो पोलार एक्सप्लोरर दिख रहा है पीछे ये है हमारा शिप हेलो गुड मॉर्निंग हेलो तो हम बैठ गए हैं इस पोलार ब्रेकर एक्सप्लोरर पे जो कि आइस ब्रेक करेगी और आइस कैसे ब्रेक करेगी वो पता चलेगा जब ये मूव करेगी And I'm so so excited about Ooh, this. This was our in our top bucket list for a very long time. Yes, और हम इस sea के अंदर swim करने वाले, actually float करने वाले हैं. और अब मैं जा रही हूँ deck के बिल्कुल front point पे. And I'll do this. The Titanic pose. Let's go. एक्सप्लोरर एक जायंट शिप है और इस जायंट शिप का आखिर इंजन रूम कैसा दिखता है लेट्स गो एंड सी अब आपको लेकर चलते हैं इस जायंट शिप के हार्ट में एंड वो है इस शिप के इंजन रूम्स इस शिप के इंजन इतने बड़े हैं कि वो दो फ्लोर्स में फिट हैं क्योंकि आइस ब्रेकर शिप इतना बड़ा है और आइस को ब्रेक करने के लिए उसे पावर चाहिए इसलिए इस इंजन रूम से बहुत आवाज़ आ रही थी
हमने जब ये इंजन रूम एक्सप्लोर किया तब शिप सेल नहीं हो रहा था। हमने दोनों फ्लोर्स को एक्सप्लोर किया और इस आइस ब्रेकर शिप की एक्सट्रीम इंजीनियरिंग को इतने पास से देखा। एंड नाउ इट्स टाइम टू मीट कैप्टन ऑफ द शिप and see how his cabin looks like. Yeah. So what's your name? Frankie. Yeah. And you do this since how many years? 5 years I've been doing this now. But before I was working all over the world. Oh, yeah. Okay. Yeah. Mm-hmm. And you like this? Or it's like daily thing for you now? Yeah, it's very... My house is just 3 kilometers from here, so it's easy. Yeah. But it's just extra jobs. Oh, this is an extra job. Oh, yeah, yeah. Okay. Mm-hmm. But we had fun today and it was nice. That sounds good. That's very nice to hear. Yeah. And nice to meet you. Nice to meet you too. Woo! आपको पता है मैं इस शिप से उतर के कहाँ पे आई हूँ? बे ऑफ बोथनिया में, जो कि फिनलैंड और स्वीडन के जस्ट बीच में है। तो आगे जाएंगे तो बाल्टिक सी है और ये है गल्फ ऑफ पोथनिया या बे ऑफ पोथनिया। एंड डू यू सी दिस? ये आइस है जिसे अभी हमने ब्रेक करी है। ओह, कितनी स्ट्रांग है ये। जो शिप ने तोड़ा है ना, वो देखिए किस तरीके से यहाँ पे आइस के बड़े बड़े क्यूब्स दिख रहे हैं। उसके पास नहीं जा सकते हैं बट वो पूरे आइस के बड़े बड़े क्यूब्स है। कैन यू इमेजिन, मैं वॉक कर रही हूँ इस फ्रोजन सी पे और ये देखिए आइस है। So happy. Ooh, we had so much fun here. ये देखिए पूरा शिप और हम लोग हैं सी पर और ये सी। Ooh. And now we have to go back. Time to go. पूरा सी पर ऐसे वॉक कर रहे हैं फर्स्ट टाइम। लेक पे वॉक किया नेदरलैंड्स में, फ्रोजन लेक पर। अगर ये सी कैनाल पे वॉक किया, सी पे वॉक कर रहे हैं। Now we are walking first time. And he's one of our guys. थैंक यू। मैं पोलार एक्सप्लोरर से इतना इंस्पायर हुई हूँ कि आई एम ऑल्सो ट्राई टू ब्रेक द सी फ्रॉम द आइस। आइस से आइस को ब्रेक करेंगे। एंड हियर गोज वन मोर। सो अभी फर्स्ट बैच जाने वाला है और उसके लिए दे आर गेटिंग रेडी। पहले आइस को इधर वाला जो है स्लिप नॉट जैसे थोड़ा ब्रेक कर रहे हैं। आर यू एक्साइटेड? आई एम रेडी एज वेल। आर यू एक्साइटेड मेगा? यस, आई एम बिट नर्वस एज वेल। आई एम नॉट श्योर आई विल बी एबल टू डू दिस। नो, देयर इज नथिंग टू नर्वस। या, वेरी इजी। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था ये। हमने फ्लोट किया
सी पे, फ्रोजन सी पे पहली बार वॉक किया और इंजन रूम देखा, कैप्टन से मिले और सर्दियां तो फ्रीज तो हो ही रहे हैं, देख रहे हैं ना मेरे चीक्स, सौरभ के चीक्स। सुबह से हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, बस में भूख लग रही थी मगर इसके ऊपर आके कोई भूख नहीं लग रही, पता ही नहीं चल रहा है एक्चुअली कि भूख में कुछ होता है क्या। यही होता है जब आप किसी चीज को एक्सपीरियंस करने के लिए एक्साइटेड होते हैं, यू फॉरगेट एवरीथिंग। और जो ये पीछे देख रहे हैं ना, पता नहीं कितना अच्छा, मैं देखो मैं करती हूँ जो ये आप पीछे देख रहे हैं ना, ये सनसेट नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ सनराइज नहीं होता, यहाँ पे सन ऐसे आता है। सनराइज कैसे होता है, ऐसे आता है और ऐसे जाता है, यहाँ पे ऐसे ही चला जाता है, तो थोड़ा सा सन दिखता है तो उसी की रेस दिख रही है यहाँ पे, बट इट्स लुकिंग मैजिकल राइट। एंड नाउ इट्स टाइम टू गो बैक, शिप स्टार्ट हो चुका है और आई थिंक 30 मिनट्स में पूरा डार्क हो जाएगा, तो जब तक हम लोग डेक पे पहुंचेंगे इट वुड बी अ डार्क नाइट अगेन। व्हाट टाइम इट इज नाउ सौरभ? इट्स लेट मी सी, इट्स ओनली 12:30। इस बार जब हम लोग लापा लैंड का ट्रिप प्लान कर रहे थे तब ये आइस ब्रेकर शिप का एक्सपीरियंस करना हमारी लिस्ट में टॉप पर था। बचपन में हमने कभी नहीं सोचा था कि वी विल गेट अ चांस लाइक दिस, जहां हम फ्रोजन सी पर वॉक कर पाएंगे या फिर कोल्ड आइस वाटर में फ्लोट करेंगे। एंड आज जब हम ये एक्सपीरियंस कर पा रहे थे, वी वर हैप्पी एंड अमेज्ड by this unique experience in Lapland. ये icebreaker cruise trip हमारे tour package में included नहीं था and हमने इसको separately book किया था। Lapland में सिर्फ दो companies हैं जो ये icebreaker ship को run करती हैं। हम लोगों ने Polar Explorer icebreaker company से book किया था। दोनों company के link आपको description box में मिल जाएगी। इसकी प्राइस स्टार्ट होती है 255 यूरो से एंड ये टूर मिड दिसंबर से स्टार्ट होते हैं एंड टिल मार्च यू कैन एंजॉय इट। पोलार एक्सप्रेस का जो टूर है ना, उसमें लंच भी इंक्लूडेड है। हम हैं वेजिटेरियंस, मैं ऑलरेडी खा चुकी हूँ, ब्रेड और बटर था और ये देख रहे हैं क्या है, आलू, आलू मिला है, फुल बॉइल्ड आलू और सैलड था जो कि ऑलरेडी खा चुकी है और सौरभ ने भी वही लिया है, ब्रेड बटर आलू एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कॉफ़ी। और इसमें आप गरम मिल्क ऐसे मांग सकते हैं, जहाँ पे भी जाएं आप बोलिए मुझे हॉट मिल्क चाहिए तो वो ला के देंगे एंड देन मिक्स योर कॉफ़ी विथ योर हॉट मिल्क, तो इंडियन टाइप का कॉफ़ी बन जाता है। जल्दी ख़त्म करते हैं क्योंकि बहुत ही छोटा ब्रेक है, कुछ लोगों को जल्दी जाना है, सो लेट्स ईट क्विकली। पहुंच गए वापस होटल एंड व्हाट एन अमेजिंग एक्सपीरियंस इट वाज, टोटली माइंड ब्लोइंग, जैसे वो क्रूज जा रहा था सी के ऊपर से। आइस को ब्रेक करते हुए देख के आंसू आ गए क्योंकि इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस था एंड थैंक्स टू यू सौरभ। नो थैंक्स टू यू मेघा ने सबसे पहले कई साल पहले देखा था वीडियो और तब से मेघा की लिस्ट में था कि हमको ये एक्सपीरियंस जरूर करना है और इस बार जब हम लोगों ने फिनलैंड का प्लान बनाया तो हमने कहा चाहे कुछ भी हो जाए वी विल डू दिस ट्रिप and yes we did it today super happy। but ek important tip hai aur wo tip kya hai ki aap jab bhi cruise plan karna chahe aur agar aap winter mein aa rahe hain tabhi kar payenge of course icebreaker ship to aap iska morning ka cruise book kariye kyunki jab hum log gaye the to 10 o'clock pe start hua tha tab thoda sa bright ho gaya tha and aapne hamare sare videos mein dekha hi hoga ki 2 o'clock pe yahan sab kuch dark ho jata hai to jo uska afternoon cruise hai jo 3 o'clock pe hota hai then you will see nothing, yeah it will be really dark, so do cruise hai tab morning wala cruise lijiye not afternoon wala aur thoda time limit hota hai jab aapko usme float karne ka hota hai to thoda kam hota hai wo time limit। floating was also an amazing experience, maza aa raha tha float karne mein। but aapko ye video kaisa laga bataiyega zarur comment section mein aur give it a thumbs up and do subscribe to our channel taki hum aur aisi activities aapko dikhate rahe aur aapko pata chale। See you in our next video। So important, सबसे important। आप हमें Facebook और Instagram पे follow भी कर सकते हैं। दोनों का handle लिख दिया है screen पे।
See you in our next video. Till then, bye. Bye.